जिम्मे आप मानते हैं कि अंदोलन चो आम आदमी पार्टी निकली हुई एक वक्री गल शुरू की। किसान अंदोलन ने जिते दुनिया के पंजाब की पंजाबियों की पहचान बनाई है, किसानों की पहचान बनाई है, उतों फिर जिहड़े लोग एक स्टेज पर सियासी धिर चढ़न दिंदे आ जो खुद सियासी धिर बन के निखरे। असीं तां पहलां भी वक्रे सी, हुण भी वक्रे हाँ, क्योंकि साडा नीतियां दा फर्क है, नीतियां दा वक्रेवा साडा बंदे नाल कोई वक्रेवा नहीं, ना साडा उन्हां नाल कोई रोस है। उन्होंने आपदी नीतियां ने उन्होंने आपदे ये लगता भी लोगों का असं फायदा कर सकते हैं, सानू ये लगता भी असं संघर्ष ना फायदा कर सकते हैं। ये दो लाइना ने, ये दोनों लाइना के जो तो रौले पैदा ज रट्टे पैदे ने तो लाइना लाइना के फैसले लोग करते हैं, वो लोगों ने फैसला करना भी कि लाइन ठीक है कि सुधार। किसानों का फायदा करना, मजदूरों का फायदा करना, मुलाजमान का फायदा करना, राजनीति तो पासे होकर ही फायदा किया जा सकता है। असं उस पॉलिसी पहला भी साड़ी ये पॉलिसी थी, असं अज भी उस पॉलिसी देखने हैं, उस पॉलिसी के सिट्टे ने तीन वापस हुए हैं, साथियों को भुलेखा लग गया वो चो लगा। कल उन्हां दी चडूनी ग्रुप नाल मीटिंग हो गई है, कल उन्हें 10 कैंडिडेट लड़ने सन, पर हुण लगता कि 1 या 2 दिन दे विच 117 सीटां दे कैंडिडेट लड़नगे। कि तुसीं उन्हां दे समर्थन च उतरो? नहीं जी, नहीं असीं किसी दे समर्थन ना चडूनी दे ना। उस शख्सियतां वक्रे चलते हैं तो वक्रेवा ही विलखणता ही उन्होंने पहचान होंदी है, यही पहचान पूरे उतरदे ने उगराह ग्रुप के आगू, उगराह जथेबंदी के उगराह साहब साडे नाल ने। किसान मोर्चे दे विच भी उन्हें वक्रे बैठे, उन्होंने शुरू तो प्रैशर ग्रुप रहा सियासत दे विच जां रवायती पार्टियां उन्होंने तो वक्रे मार करके उन्होंने लोगों की गल प्रैशर ग्रुप वजों की गई है, तो अज साडे नाल ने अज उन्होंने आपके विचार रखे ने। जदों कि उस अंदोलन चो 2 पार्टियां निकलियां पिछले दिन ही इकट्ठिया हो गई ने, तो उगराह ग्रुप जिमें किसान मोर्चा दिल्ली के वखरा से हूँ भी वखरा, उन्होंने जानते हैं कि उन्होंने वखरेवें किस तरह ने, तो आने वाले पंजाब का भविख किस तरह देखते हैं। उगराह साहब अपन जथेबंदियों ने 2 पार्टियां बना के हम इकट्ठे हो गए हैं, तुम फिर भी वखरे हो, की कारण? देखो असी तो पहला भी वखरे से, हूँ भी वखरे हाँ, क्योंकि साडा नीतियां का फर्क है, नीतियां का वखरेवा साडा बंदे नाल कोई वखरेवा नहीं, ना साडा उन्हां नाल कोई रोस है। उन्होंने आपदी नीतियां ने उन्होंने आपदे ये लगता भी लोगों का असं फायदा कर सकते हैं, सानू ये लगता भी असं संघर्ष ना फायदा कर सकते हैं। ये दो लाइना ने, ये दोनों लाइना के जो तो रौले पैदे ज रट्टे पैदे ने तो लाइना लाइना के फैसले लोग करते हैं, वो लोगों ने फैसला करना भी कि लाइन ठीक है कि सुधार। एक थोड़ी अपनी निजी रह भी होएगी जी, मैं जानना चाहवा, साडे दर्शक भी जानना चाहणगे, उस अंदोलन के पिछों जिवें आपां मानदे हां कि अंदोलन चो आम आदमी पार्टी निकली हुई एक वक्री गल शुरू की। किसान अंदोलन ने जिते दुनिया के पंजाब की पंजाबियों की पहचान बनाई है, किसानों की पहचान बनाई है, उतों फिर जिहड़े लोग एक स्टेज पर सियासी धिर चढ़न दिंदे आ जो खुद सियासी धिर बन के निखरे ने, पर थोड़ी निजी रह। देखो साडा तां इह तजर्बा इह है भी इह अंदोलन कामयाब भी तां होया जे असीं इन्हां नूं सियासी लोगों स्टेज पर नहीं चढ़न दिता जी, इह धार्मिक नहीं बन दिता, इह जातां दा नहीं बन दिता, इह राज का नहीं बन दिता। असी इस तजर्बे के असं मनिया भी सी असी कामयाब भी हो सकते हैं जे राजनीति तो पासे होकर, किसानों का फायदा करना, मजदूरों का फायदा करना, मुलाजमान का फायदा करना, राजनीति तो पासे होकर ही फायदा किया जा सकता। असी उस पॉलिसी पहला भी साड़ी ये पॉलिसी थी, असी अज भी उस पॉलिसी देखने उस पॉलिसी के सिट्टे ने 3 वापस हुए हैं, साथियों को भुलेखा लग गया वो चो लड़। अच्छा तुम एक पहला बयान दिता सी कि जदों जे जदों चडूनी साहब नू हमेशा कई बार सस्पेंड किया गया, राजेवाल साहब भी उन्हों का विरोध करते सन, तो तुम उदो कहा भी जे ये पार्टी बनाते तो असी जिमें अज दूसरिया सियासी धिर के विरोध खड़े से तुम भी विरोध खड़ोगे अज थोड़ा की सी? देखो अज जिन्ना चिर हुण साथी सत्ता च नहीं आउंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते उदू पिछों वो की करते ने, जे साडे पक्ष दीआं नीतियां होईआं असीं वेलकम भी कहांगे, शाबाशे भी कहांगे, जे उन्होंने उन्होंने नीतियां ते पहरेदारी की, किसानां दा मजदूरां दा कोई फायदा ना होया, साडे सुपने साकार ना होए, फिर मुर्दाबाद तां उन्हां वास्ते हो भाई, उन्हां वास्ते बराबरी है। हुण कल उन्हां दी चडूनी ग्रुप नाल मीटिंग हो गई है, कल उन्हें 10 कैंडिडेट लड़ने सन, पर हुण लगता कि 1 या 2 दिन दे विच 117 सीटां दे कैंडिडेट लड़नगे। कि तुसीं उन्हां दे समर्थन च उतरोगे? नहीं जी, नहीं असीं नहीं किसी दे समर्थन, ना चडूनी दे ना राजेवाल साहब। थैंक यू। उगराह साहब का उही स्टैंड है कि वह उन्हां नूं असिद्धे तौर पर रवायती पार्टी ही मनते ने, तो वह उन्हां दे समर्थन च नहीं जाणगे, जबकि चंडूनी ते राजेवाल ग्रुप इकट्ठे हो गए ने, ते एक पंजाब जूझदा पंजाब के साथी भी उन्होंने मिल के चले ने, उन्होंने कुछ साथियों की ड्यूटी लगी हैगी उन्हां चों चोण मैनीफेस्टो बनाउण दी, कुछ नूं कैंडिडेट एलान दे कमेटी दे विच लै लिया गया, पर देखदे हुण जूझदा ग्रुप जूझदा पंजाब भी उन्होंने मिल चुके आ, चंडूनी भी मिल चुके ने, तो राजेवाल भी मिल चुके ने, तिन्ने समूह मिल के समाज नूं की वखरा दिंदे ने ये तो आने वाले दिनों पता लगेगा। पर उगराह ग्रुप की
स्टैंड ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਤੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁੱਖ ਕੁਝ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ।